अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हसन जामिन, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, बिजनेस कंसल्टेंट। भाई सेलिब्रेशन है 100+ प्रोजेक्ट्स की, जिसमें मार्केटिंग है, विजिबिलिटी, मर्चेंडाइजिंग, ब्रांड एक्टिवेशन, एडवर्टाइजमेंट, फिर उसके बाद डिजिटलाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट इंक्लूडेड, ऑल थिंग्स। ठीक है, तो सेलिब्रेशन है 100+ प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं मेरी टीम और मैं मिलके, जिसमें टॉप लेवल के ब्रांड्स, जिसमें यूनिलीवर में शामिल है वॉल्स का ब्रांड मैंने किया है। ठीक है, इसमें ब्रांड एक्टिवेशन किया कंटिन्यूसली 3-5 ईयर्स कंटिन्यूसली। उसके बाद लॉरियल, ब्लू बैंड, हिलाल और इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स किए, PNG, विसल्स, इसके साथ साथ बहुत सारे फील्ड वर्किंग की, एनालिसिस किए, सर्वे किए, ऑडिट्स किए, बहुत सारी रिटेल में वर्किंग की, प्रोडक्ट्स को लॉन्च कराया। इसका अनलिमिटेड डेटा है, अनलिमिटेड एक डिटेल्स हैं, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 100+ प्रोजेक्ट्स फॉर यू। सो अब हम सेलिब्रेशन के साथ साथ अगेन मैं कहना चाहूँगा, सेलिब्रेशन के साथ साथ बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़, नॉट ओनली कॉपी पेस्ट, रिटेल के, डिजिटलाइजेशन के तमाम प्रोजेक्ट्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्कोप वाली प्लानिंग के साथ हम आपको और कमिटेड सेल के साथ प्लानिंग देंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मकसद सिर्फ बताने का ये है कि अपने बिजनेस के लिए या प्रोफाइल के लिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटलाइजेशन या किसी भी तरह की सर्विस रिक्वायर्ड हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम कमिटमेंट के साथ जो ना डिलीवर करते हैं। राइट नाउ मेरे हाथ में है सिग्नेचर का प्रोजेक्ट, मेरे बैकग्राउंड पे भी बहुत सारी बुकलेट्स वगैरह इसकी पड़ी हुई हैं, जिसमें मैं डिटेल्स में तो बहुत सारी चीज़ें मैं खोल के भी इंशाल्लाह प्रेजेंट करूँगा। एक दिन डेडिकेट करेंगे हम अपने करंट प्रोजेक्ट्स को और उसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाएंगे। कमिंग टू दी टुडेज टॉपिक, के हम आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है भाई, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आप डिजिटलाइजेशन को समझना चाहते हैं शॉर्ट, तो आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। तो कन्फ्यूजन ये है कि डिजिटल पार्ट है सोशल मीडिया का या सोशल मीडिया पार्ट है डिजिटल का, डिजिटल मार्केटिंग का। तो इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना, हमें डिजिटल मार्केटिंग करवानी है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो हम उनको प्रपोजल वगैरह भेज देते हैं, सारी चीज़ें कर देते हैं। उसके बाद होता ये है कि वो सिर्फ सेलेक्ट करते हैं कि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करानी थी और आपने जो है ना हमें पूरा प्लान दे दिया। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग का जब हमें रिक्वायरमेंट आती है तो हम पूरा प्लान दे देते हैं। पूरा प्लान क्या होता है कि पे पर क्लिक, गूगल एड्स, यूट्यूब और तमाम प्लेटफॉर्म जो भी बिज़नेस के ग्रोथ के लिए या उस कैटेगरी के लिए बेहतरीन हो सकते हैं, जिसमें कस्टमर इंगेजमेंट है एंड यूज़र्स तक मैसेज है, अवेयरनेस है या फिर आपकी सेल्स लीड्स हैं, तमाम चीज़ें जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वेबसाइट पे लैंडिंग पेज, आपका तमाम चीज़ों की मार्केटिंग करके आपके जो डील मैच्योरेशन की तरफ जाती है वो वेबसाइट के थ्रू जाती है, जिसमें आपकी समझ लें एक ऑफिस है आपका इंटरनेट पे, जिस ऑफिस में आप तमाम कस्टमर्स की लीड जनरेट करके कंप्लीट करते हैं और मैच्योर करते हैं। तब हम जाके ना हम सबसे पहले टॉप पे इसको रखते हैं। लेकिन अब हम क्लाइंट के लिए तमाम चीज़ें बनाने के बाद हमें पता चलता है कि भाई क्लाइंट कहता है कि हमें तो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करानी थी, बल्कि उनका ये वर्ड्स ये होते हैं एक्चुअली कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमने मार्केटिंग करानी थी। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इज़ अ पार्ट ऑफ ओनली सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया का पार्ट है। जैसे कि हम यूट्यूब को भी अलग कंसीडर करते हैं, बिकॉज ऑफ के यूट्यूब का बिज़नेस जो प्रपोजल होता है, जो उसकी प्लानिंग होती है, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है या उसकी डाइवर्शन होती है या फिर उसकी जो कंप्लीट एक प्रोसीजर्स गुजार कर हम जब क्लाइंट की तरफ जाते हैं तो उसका एक सिनेरियो ही अलग होता है। तो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में शामिल करते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम को, और इंस्टाग्राम और फेसबुक को जब हम शामिल करते हैं तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट हो जाता है। अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोजल रिक्वायर्ड होता है क्लाइंट की तरफ से, तो हम अपने डिजिटल मार्केटिंग के तमाम प्लेटफॉर्म को शामिल करते हैं। और यू नो वेरी वेल, मैं क्लियरली आपको इसलिए डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का जो प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं, डिवाइसेस, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आपकी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं उसमें, ये हम पहली वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। हम अपनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को दूर करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके डिजिटल के तमाम प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जिसका पार्ट जो है सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है हमारे पास,
वो है फेसबुक इंस्टाग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हम यूट्यूब को भी कंसिडर अलग से करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। तो इस कन्फ्यूजन को भाई दूर कर दें, सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल के तो तमाम प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अहम चीज़ है आपकी है वो गूगल पे अपीयरेंस। और गूगल पे अपीयरेंस सर्च इंजन पे तब आती है जब आपकी वेबसाइट बनी हुई हो, आपको डोमेन और होस्टिंग मिली हुई हो। जब आपको डोमेन और होस्टिंग मिल जाती है और उस पर हम SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस सिस्टम के साथ सिंक होती है गूगल के साथ, और गूगल उसको जो है ना सपोर्ट करता है टॉप पे लाने के लिए। अब उसमें हैश टैगिंग है, बहुत सारी चीज़ें, हम एड्स भी चलाते हैं, उसको डाइवर्स भी देते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, और इसमें बहुत बड़ा एक सिनेरियो होता है और बहुत बड़ी वर्किंग होती है इसमें। तो आज के बाद ये चीज़ क्लियर कर लें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है आप जब करवाते हैं तो उसमें सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम का होता है। हम प्रपोजल इसी का देते हैं, हम गूगल भी शामिल नहीं करते इसमें, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट पे जाता है। जब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कराती है तो जस्ट यू गो फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, देन आप सोचें कि यार गूगल पे कैसे जाना है, हमने गूगल एड्स पे कैसे जाना है, वी आर एक्सपर्ट फॉर दिस एज वेल, सो यूट्यूब पे कैसे जाना है, उसका एक अलग सिनेरियो है। इन तमाम चीज़ों को जो है आप थोड़ा सा अपने आप को समझते हुए फिर अगला जो है आप अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हायर करना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हायर करना चाहते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बनाना चाहते हैं कंपनी के लिए, तो ये तमाम चीज़ें मद्देनजर रखें। ये तमाम चीज़ें जो ना तरीके से डील होती हैं अलग अलग सिनेरियो में, एज पर कैटेगरी डील होती हैं। तो आज के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन मज़ीद आपको रहती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। आज की एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैंने क्लियरिटी दे दी, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ दी पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब भी किसी से प्रपोजल लें, जब भी किसी से चीज़ें आप डिज़ाइन कराने के लिए लें, तो अगर आपका टारगेटेड है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जाना है हमने, तो मेरे ख्याल में मेरी सजेशन ये है आपके लिए कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को बस देखें और बाकी चीज़ें छोड़ दें, वहाँ से डाइवर्शन ले लें अपनी वेबसाइट अगर है, नहीं है तो फिर आप पूरा प्लान जो है ना डिजिटल मार्केटिंग का ले लें। जैसे कि हमारे USA के क्लाइंट है, गारमेंट्स के क्लाइंट है, अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, उन्होंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग का प्लान लिया हमसे कि किस तरह से आप 6 महीने का हमें मार्केटिंग प्लान देते हैं। तो अगर आपको भी कोई प्रपोजल या फिर आपकी प्लानिंग है कि आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, नई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो 100+ प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास, आप ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। फर्दर मोर कोई भी सजेशन, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमसे ज़रूर किसी भी टाइम रब्ता कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 क्लिक के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगेन मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।